कन्हैया जी छोटे थे तो भगवान शंकर जी की इच्छा हुई दर्शन करने, बोले प्रभु जी मुझे दर्शन करना है और आम लोगों की तरह करना है, शंकर अपने रूप में नहीं करना है। बोले ठीक है तो आ जाओ। बोले मैं कैसे आऊं? बोले वो आप समझिए कैसे आना है, दर्शन मैं दूंगा ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है तो भोले बाबा जी एक साधु का वेश धारण करके आए गोकुल में और उनके दर्शन की लालसा हुई तो माँ यशोदा जी ने उनको बिना दर्शन की वहां से जाने को कहा। बोले बाबा जी हम आपको कन्हैया जी के दर्शन नहीं करने देंगे, तो इसके पहले भी कई लोग आए, उन लोगों ने छल किया, मेरे पुत्र को सुपुत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए मैं आपको दर्शन तो नहीं करने दूंगी, बाबा जो भी हो आप जाए यहाँ से। तो चले गए। उन्होंने कन्हैया जी से विनती की, भोले बाबा ने, बोले बाबा मैं तो आया था आपके दर्शन के लिए लेकिन दर्शन नहीं हो पाए, अब आप ही पाए करें, मैं तो आया था अब आपकी बारी है। तो ठीक है मैं करता हूँ। कन्हैया जी ने रोना शुरू किया और सुबह से लेकर शाम हो गई, उनका रोना बंद नहीं हुआ। तो किसी ने उनको सलाह दी, बोले ऐसा तो नहीं वो एक बुढ़ा बाबू बैठा हुआ है साधु, उसको बुला के अगर लाया जाए तो हो सकता कन्हैया जी शांत हो जाए। तो यशोदा माँ ने बड़ा भैंस रख के कहा चलो भाई ये भी आप देखते हैं। तो एक को बुलाने के लिए जाती है, उसकी बाबा जी से चले रे जोगी नंद भवन कर लिए था चल रे जोगी नंद भवन देखा चल रे जोगी नंद भवन जसुमती तो बुलावे जसुमती तो प्रवेश भोले बाबा जी का जलपान किया उन्होंने और कन्हैया जी के शीश पे हाथ फेरा। नंद भवन में आए जोगी राई I'm
रज में बातों की जय प्रभु रे योगी भवन में रज में बातों की जय जब जब मो